नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आर एन टेक्निकल चैनल। तो आज नया कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, डेली की तरह फिर से आज एक नया एडिटिंग लेके आ रखा हूँ मैंने आपके सामने। तो वो है हमारा कैपकट पे टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दो तीन दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, लेकिन वो डार्कनेस के बारे में था। जो आप डार्कनेस में जैसे आप वीडियो शूट करते हो, आपका फेस नहीं दिखाई देता, आप डार्कनेस दिखाई देता आपका वीडियो, ठीक है। लेकिन आज मैं प्रॉपर एक एडिटिंग कर रहा हूँ जो आपका, जैसे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस तरीके से आप दिखाई देगा और आपके पीछे में आप उस टेक्स्ट के आगे चल रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का टेक्स्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वन बाय वन मैं आपको ऐसे ऐसे एडिटिंग सिखा दूंगा जिसे आप एडिट करके बहुत सारे व्यूज कमा सकते हो। शॉर्ट्स वीडियो पे आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, तो बहुत सारे व्यूज कमा सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि यार इस तरीके का लाइटिंग पे हम एडिटिंग करें कैसे टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो बहुत इजी, आपका ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है इस पे करने के लिए। दो तीन स्टेप है, आपको उसको फॉलो कर लेना है और आपका वो वीडियो हो जाता है रेडी। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप कीजिए, बस दो तीन स्टेप, आपका वीडियो रेडी हो जाएगा टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो लेकिन उसे करें कैसे, उसके लिए हमें कैपकट ओपन करना पड़ेगा और कैपकट पर जाकर हम सारे एडिटिंग करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मैं लेकर चलता हूँ आपको सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर, दिखाता हूँ कि वहाँ पर एडिटिंग करते कैसे है। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलता है, आपको सीख रहे हो मेरे वीडियो से, तो डेफिनेटली मेरे को एक फेवर भी कर देना आपकी तरफ से, और वो है सब्सक्राइब करके, ठीक है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि मेरे वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिलता है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं एडिटिंग से लेके और टिप्स एंड ट्रिक्स से लेके बहुत सारा वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सके, ठीक है दोस्तों। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो रेडी हो, Let's go. तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कैपकट, ठीक है। तो हम इस पे लगाएंगे टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो इसे करना कैसा है, जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया था फोटो पे, ठीक है, लेकिन इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। और पहले मैंने एक वीडियो पे भी बनाया था, वो था डार्कनेस में, ठीक है। अब मैं प्रॉपर एक वीडियो पे बना के दिखाऊंगा जो वो आपका वीडियो जो वाइटनेस में पूरा आप देख रहे हो, ठीक है। उसके लिए हम कैपकट का ये न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, मैं उसे ले लूँगा। मैं एक वीडियो यहाँ पर ले रखा है, ये वाला वीडियो, ठीक है, ये वाला वीडियो ले लेता हूँ, ये देख रहे हो आप, ले लेता हूँ, इसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये ऐड हो जाता है, अब मैं इसके शुरू पर ही मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा माय ड्रीम्स, ठीक है। और इसमें मैं कुछ फॉन्ट डाल दूंगा, जैसे कुछ फॉन्ट लेऊंगा मैं, यहाँ से चूज़ करूंगा बढ़िया सा एक फॉन्ट ले लेता हूँ मैं, यहाँ से ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसे पकड़ के ऐसा करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं स्टाइल देता हूँ, स्टाइल नहीं इफेक्ट देता हूँ मैं, ठीक है, इसमें एक अच्छा सा इफेक्ट डाल देता हूँ मैं इसमें, और ये वाला डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसे ओके कर देता हूँ फॉर एग्जांपल आपको, बस मैं बताने के लिए, ठीक है। और बाकी ये टेक्स्ट का जो ऑप्शन है, टेक्स्ट का लेंथ को मैं बढ़ा के इसके साथ में मैं कर दूँगा बराबर में, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर आ गया। अब इस वीडियो का हम क्या करेंगे, 1080p प्लस 60 फ्रेम पे एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। ये जब एक्सपोर्ट हो जाएगा फिर से आपको एडिटिंग करना है इस पर, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट आपको आगे दिखना है और आपको पीछे दिखना है, ठीक है। उसके लिए मैंने ये एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गया। हम बैक चले जाएंगे, इसे भी बैक कर देंगे, सब बैक कर देंगे, हटा देंगे सब। दोबारा हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, हमने ये वीडियो किया था, इस वीडियो को यहाँ पर ले लेते, जैसे ये वीडियो यहाँ पर देख रहे हो आ गया, ठीक है, हम इसे ऐड कर देंगे, ये जब तक ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। ये ऐड हो गया, अब हम इसे एक बार प्ले करते हैं। ये देखिए आपको ये जो राइटिंग है टैग से वो आपके पीछे दिख रहा है, आप आगे जा रहे हो, ठीक है। अब हम इसे आगे लेके आएंगे कैसे, दोबारा हम यहाँ पे आपको करना क्या है, ओवरले पे आपको क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है और आपको वही एक सेम साइज़ का जो वीडियो है आपको ये वाला लेके आता हूँ, ब्लैंक वाला, ठीक है, ये वाला लेके आता हूँ, मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ये ऐड हो गया। अब आप इसको खींच के बराबर स्क्रीन में कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसे पकड़ के करूँगा आगे लेके यहाँ पे लगा दूँगा, ये बराबर आ गया आपका, और आपका जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो आपके इस वीडियो के पीछे है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। अब हम उसे क्या करेंगे, बैक जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कटआउट का, ये कटआउट का देख रहे हो आप यहाँ पे,
इसे क्लिक करना है और रिमूव द बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट कर देना है। अब जैसे आप आपने राइट कर दिया, देखिए आपका राइटिंग आपका पीछे आगे चला गया, ठीक है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं, ये देखिए परफेक्ट तरीका से आपका वो राइटिंग यहाँ पे ऐड हो गया, ये देखिए आप देख सकते हो परफेक्ट तरीका। ये होता है आपको टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट जो लगाते हैं, आप इसी तरीके से कैपकट पे आप अपने टेक्स्ट लगा सकते हो वीडियो पे। एकदम सही तरीका ये लगाने का और बहुत आसान तरीका, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होगा, आप यहाँ पे ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस दो तीन स्टेप आपका वीडियो रेडी। तो इसी तरीके से आप कैपकट पे अपने टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट को एडिटिंग कीजिए, और ये वाला अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो बना के अपने शॉर्ट्स वीडियो पे डाल के खूब सारा व्यूज़ कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई को, तो कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ अच्छा सा एडिटिंग टॉपिक लेके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। तो दोस्तों फाइनली हमने फिर से आज एक नया एडिटिंग सीखा कैपकट पे, जो हम टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कैसे एडिट करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने बहुत सारे वीडियो एडिटिंग किया है इसके बारे में काइन मास्टर पे, ठीक, जो ब्राइटनेस वाला जो वीडियो होता है उस पर एडिटिंग करना सिखाया, दो तीन स्टेप था। डेफिनेटली आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा इस तरीके का एडिटिंग करने में, दो तीन स्टेप है आपको फॉलो कर लेना है और उसी तरीके से आप एडिट कीजिए अपने वीडियो का, मज़ेदार वीडियो बनाइए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप भी अपने वीडियो बना के ट्रेंडिंग में डालिए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो जैसे मैंने कहा कि फेवर कर देना मेरे को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर से अच्छा सा एडिटिंग वाला टॉपिक लेके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हैव अ गुड डे।